देखिए नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन बच गया था, इसको कहते हैं सतत भिन्न का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत बार पूछेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस लास्ट नंबर को टारगेट करना है। ये होता है अंश, ये होता है हर, ठीक है, इन दोनों को टारगेट करना है। पहले क्या लिखेंगे हम, अंश को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हर, ठीक है, हर को लिखे और ये काउंट करते हैं 1 2 3, कितने बार है, 3 बार, 1 2 3 ऐसे लिख लिए। 3 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 15, 15 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, ठीक। अब हमें आंसर बताना है तो हमारा आंसर क्या होगा, 15/24, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी सगे एक और क्वेश्चन को जान लीजिए, अगर ये देखिए 1/2 में ये दिया हुआ है तो हमारा 15/24 आया है, ठीक है, इसी 2 को हम हटा देंगे और क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 24/15, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 24/15। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। देखिए अब ये ए बी सी में दे दिया तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए बी सी को हम कैसे हल करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, पलट दीजिए, ठीक, इसको पलटेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 15/8। अब बताइए 8 से 15 में डिवाइड होगा, हाँ होगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक बार जाएगा, कितना शेष बचेगा 7/8, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। अभी देखिए इसमें नहीं जा रहा है, फिर से इसको पलट दीजिए, ठीक, इसको पलटेंगे तो कितना होगा 8/7, अब जाएगा, हाँ जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक बचेगा, एक ऊपर बचेगा, एक नीचे बचेगा, ठीक है, इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए हमारा ए का मान क्या आ गया, ए का मान हमारा आ गया 1, बी का मान क्या आ गया 1, सी का मान क्या आ गया 7, ठीक है, 7 आ गया। अब बताइए इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 9, आ गया हमारा आंसर निकल करके 9। इसी टाइप से ये क्वेश्चन होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको एक क्वेश्चन और मैं दूंगी जिसको उसको भी करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको इस अगर ये दे दे ये 3 हो, 1 2 3 गिनने पे ये 3 आए और ये माइनस में हो सारे, ठीक, ये गिनने पे 3 हो और ये माइनस में हो सारे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो लास्ट नंबर दिया है ना हमारा 5/8, यही आंसर होगा, आंसर क्या होगा 5/8, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा, क्वेश्चन है देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन दे रही हूं मैं, 1/1+1/1+1/1+1/8/16, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।